हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, आज है मेरा व्रत, तो व्रत है शीतला सप्तमी का। तो ये है दिन बृहस्पतिवार, और अभी मैं जा रही हूँ नीम के पेड़ में जल चढ़ाने। तो शीतला सप्तमी पे नीम के पेड़ में ही जल चढ़ाया जाता है, और वहाँ मैं जल चढ़ा के पूजा करूँगी शीतला माता का। और फ्रेंड्स, अभी यहाँ से पूजा करने के बाद भी मैं घर में जाऊँगी, और फिर आगे का वीडियो आप लोग देखते रहिएगा और बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी आज। और स्किप मत करिएगा, क्योंकि स्किप करेंगे तो आगे क्या होगा आप लोगों को पता नहीं चलेगा। तो फ्रेंड्स, देखते रहिए वीडियो और बताइए कैसा लग रहा है। तो यहाँ पे मैं जल चढ़ा रही हूँ। जल चढ़ाने के बाद मैं फिर सिंदूर से टीका करूँगी, उसके बाद दही, गुड़ और घी, ये सब मैं भोग लगता है। और इसमें अग्यार नहीं किया जाता, इसमें सिर्फ ऐसे ही मतलब जल में डाल के चढ़ाया जाता है। तो ये एक साल में 4 सप्तमी आती है हम लोगों के यहाँ। तो तीसरा सप्तमी है मेरा, और चौथा सावन में आएगी। तो सावन में मैं पूजा करके उसका दह बैठाऊँगी। तो जब उसको पूजा करूँगी तो उसको भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और बताऊँगी कैसे होती है उसकी पूजा। तो यहाँ पे मैं सिंदूर लगा देती हूँ, उसके बाद ये देखिए मैं 7 बार दही से भोग लगाऊंगी, उसके बाद फिर घी और गुड़ दोनों मिक्स करके मैंने डिब्बे में रखा था, उसको मैं टीका लगाऊंगी। तो यहाँ पे मतलब चबूतरे पे बहुत सारी चींटी थी, बहुत ज़्यादा चींटी थी और चारों तरफ फैली हुई थी। तो कभी हाथों पे कभी पैरों पे चढ़ जा रही थी, तो मैं हिला रही थी हाथ को। और यहाँ पे मेरी बेटी रिकॉर्डिंग कर रही है, वो आई थी साथ में। तो इधर उधर कैमरा हिल रहा है पूरा उसके हाथ से, तो आप लोग समझ सकते हैं बच्चे हैं, बच्चे अच्छे से रिकॉर्डिंग नहीं कर पाते हैं। तो अभी यहाँ मैंने धूप बत्ती भी जला दिया है, और अब मैं चलूँगी घर। तो वीडियो बन रही है, और मेरे पैरों में आलता लगा है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये मैंने बुधवार को शाम के समय लगाया था, और वही मतलब 5-6 के करीब। तो अभी मैंने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग इसकी की है, और बड़ी मज़ेदार रिकॉर्डिंग है, आप लोग देखिएगा। तो स्किप मत करिएगा वीडियो और देखिएगा। तो चलिए चलते हैं घर। और फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ घर। तो मैंने बनाई है चाय, तो सबको मैंने चाय दे दी है। और अपने लिए मैंने चाय के साथ मूंगफली थोड़ी सी घी में तल ली थी, और हल्का सा सेंधा नमक मैंने डाल दिया है। तो इस पे सेंधा नमक खाया जाता है। तो मेरे भैया जी देखिए कैसे खा रहे हैं, इनका फेवरेट है। और ये मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था, ये इसको मूँगफली को मन्नू बोलते हैं, और इनका फेवरेट है ये। और ये है थोड़ा इवनिंग का टाइम, क्योंकि बच्चों को थोड़ी सी भूख लगी थी, तो वो खाना नहीं खा रहे थे, बोल रहे थे मम्मी कुछ बनाओ। तो ज़्यादा मेरी बिटिया ही मतलब कह रही थी कि कुछ अलग सा बनाओ मम्मी। तो मैंने आलू कट करके और थोड़ा सा उसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 1 चम्मच बेसन, और थोड़ा सा मैंने मसाला मिला के गर्म मसाले, और इसको नमक मिला के तेल में डाल के तल लिया था, और फिर टोमेटो सॉस डाल मिला के दे दिया था बच्चों को, दोनों बच्चों को। तो लोग खा लिए थे। तो ये देखिए मैंने दोनों बच्चों की प्लेट लगा दी है, दोनों बराबर बराबर मैंने प्लेट लगाई है। लेकिन देखिए अभी मेरा बेटा क्या करता है। यहाँ पे मैंने चाय चढ़ाई थी अपने लिए, कि मैं थोड़ी सी चाय पी लूँगी, क्योंकि मेरा तो व्रत है, मैं नहीं खाऊँगी ये आलू। तो ये देखिए ये कह रहा था कि मोबाइल उसके पास मत ले जाओ, आग के पास, नहीं तो मोबाइल जल जाएगा। और जब मैं इसको देने लगी प्लेट, तो कहने लगा ये नहीं वो प्लेट चाहिए। फिर जब वो देने लगी तो कह रहा ये नहीं वो चाहिए। तो बच्चों में यही होता है, वो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा लें कौन सा ना लें।
अक्सर अक्सर इसके साथ यही होता है, जब बराबर देखता है तो ऐसे ही करता है। तो किस किस के बच्चे ऐसा करते हैं ज़रूर बताइएगा। और अभी आप लोग देखिए, मैंने थोड़ी सी क्लिप जोड़ दी है, ये बुधवार की शाम की है। मैं सोच रही थी कि आलता लगा लूँ, तो काफ़ी दिनों से पैर में नहीं लगाया था, जब वही मैंने चट देवी की पूजा की थी तभी लगाई थी, तो आज मैंने सोचा लगा लेते हैं। तो वही मैं लगा रही थी तो मेरा बेटा भी आ गया था, बैठ गया था। और अभी उसको देखिएगा, मतलब चाहे जो भी करने लगो वो सोचता है मैं भी करूँ। तो किस किस को आलता लगाना पसंद है ये भी मैं बताइएगा कमेंट करके। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या करूँ, बच्चों के मारे कुछ मन नहीं करता, और जब भी कुछ करने बैठो तो पहले ही बैठ जाते हैं। और देखो मैं लगा रही हूँ तो पहले ही अपना पैर आगे करके कह रहा है कि मम्मा मुझे भी लगाओ। और उसको लगाने लगो तो उसको गुदगुदी लगती है, तो बहुत हंसता है और पैर भी इधर उधर हिलाता है, तो ख़राब कर देता है सब। तो मेरा तो ये देखिए लग गया है, और हम लोग सादा सिंपल सा ऐसे ही आलता लगाते हैं। तो अभी चलिए इनको भी लगा देते हैं हम। और ये देखिए मैं लगा रही थी तो हिला रहा था, उसको गुदगुदी लग रही थी, हंस भी रहा था, और पूरा मतलब हिला हिला के ख़राब कर दे रहा था। तो मैंने कहा लाओ लगा दें। और हमारे यहाँ बच्चों के, मतलब बच्चों क्या, जिसकी शादी नहीं हुई रहती तो उसका एड़ी में नहीं लगाते हैं, एड़ी नहीं भरते हैं, सिर्फ पहली बार शादी में ही एड़ी भरी जाती है। तो यहाँ पे मैं इधर उधर इनका फुसलाने के लिए मतलब लगा दे रही हूँ। मैंने कहा लाओ तुम्हें चप्पल पहना दें, चप्पल की डिज़ाइन कर देते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और कमेंट के साथ एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, आज मैंने अपने पैरों में आलता लगाया, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया और दिखाया, और ये भी दिखाया कि बच्चे कैसे, मतलब कुछ भी करने लगो तो बच्चे पहले कहने लगते हैं मुझे भी करना है लगाना है। तो मेरा बेटा भी वही कर रहा था। तो अभी शाम का समय हो गया है, मैं चल रही हूँ कुछ शाम के खाने की तैयारी करने। और बस आज की वीडियो इतनी ही, तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। और आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और नए फ्रेंड्स जो हों सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और बेल आइकन के साथ, जिससे मेरी आने वाली अगली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए मिलते हैं कल फिर आपसे, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।